हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि कार्य का संबंध जिस प्रकार से जूल लिखा है तो उसी प्रकार से पावर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो वहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि के 7 का संबंध यदि 350 लिखा है तो उसी प्रकार से 8 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, यदि के करण निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर करें कि कैलेंडर वर्ष 2008 के कैलेंडर के समान होगा, और यहाँ पर चार ऑप्शन है। काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 356 है दोस्तों, जिसने पार्ट 355 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, CGL, LP, टेक्नीशियन, DFCCL, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IBSSC, स्टेनोग्राफर, DRDO, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक व्यू, क्लर्क, ग्रुप डी, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार SSC, बिहार पुलिस, बिहार सचिवालय, UPSI, UP पुलिस, दिल्ली हेड कॉन्स्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा SSC, पटवारी, LIC, OMTS, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, MP पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए था। ये दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करें और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, काफी इंपॉर्टेंट, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, कार्य का संबंध जिस प्रकार से जूल लिखा है तो उसी प्रकार से पावर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए, और आप अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों, कि जिस प्रकार से कार्य का यानी जूल कैसे लिखा है, तो याद रखिएगा कि कार्य का SI मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कार्य का SI मात्रक क्या होता है हम लोगों के सामने, तो जूल होता है, तो वही यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, जूल लिखा है। तो उसी प्रकार से पावर यानी शक्ति का SI मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा कि यानी पावर बोला जाए या शक्ति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पावर का SI मात्रक, याद रखिएगा दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी पावर का SI मात्रक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का यानी पावर यानी कि शक्ति का SI मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, वाट हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस आपको तरीका समझना है कि यहाँ पर देखिए डराने का प्रयास करा कि पावर लिख दिया है, और यहाँ पर देखिए शक्ति लिख दिया ऑप्शन में, इधर उधर कर दिया, लेकिन घबराना नहीं है। जिस प्रकार से कार्य का SI मात्रक जूल होता है, उसी प्रकार से पावर यानी कि शक्ति का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, वाट होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, करें कि श्रृंखला को पूरा करें एक सीरीज है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 6 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 25, देखते चलिए ध्यान से, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 62, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 123 और 214 है, उसके बाद लगा दिया है दोस्तों यानी क्वेश्चन मार्क, आगे क्या आएगा इसी जगह बताना है। तो देखिए उसने क्या किया है दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, कि 6 कैसे लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि 2 का उसने क्या कर दिया दोस्तों, क्यूब कर दिया है, यानी 2 का क्या कर दिया दोस्तों, घन कर दिया है, तो 2 का क्यूब 8 होता है, और उसमें 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा, अब -2 कर देंगे तो 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 4 का क्यूब हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा।
उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का क्यूब हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते चलिए कि 6 का क्यूब अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो अगला क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का, 7 का क्यूब आएगा, अब माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, 343 में 2 घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 341 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए, तो कैसे करें, क्या हुआ है और कैसे क्या, ये भी बात बता दिए कि क्यूब करके उसने क्या कर दिया दोस्तों, 2 2 सब में घटा दिया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने तीसरा नंबर, ये देखिए कह रहा है कि लीला ने अपने दोस्त से, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि लीला ने अपने दोस्त से 2 लड़कियों का परिचय अपने पिता की एकमात्र बहन की बेटियों के रूप में कराया, तो लीला का उस लड़की से क्या संबंध है, अब कैसे करेंगे। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल दोस्तों कि लीला ने अपने, कह रहा है कि लीला ने अपने दोस्त का, कह रहा है कि दोस्त से 2 लड़कियों का परिचय कराया था अपने पिता, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, आपको घबराना नहीं, यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, लीला कर लेंगे, इस जगह पर क्या लिख लीजिए, लीला कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया, देखिए अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पर लिख लेना है दोस्तों, लीला लिख लेना है, ये देखिए जैसे हम लोग लिख लिया, हाँ अब अच्छा से लिखा गया, तो लीला ने कहा, तो लीला कह रहा है कि लीला ने कहा कि अपने पिता, इसका क्या दोस्तों, पिता है, यानी लीला का क्या है दोस्तों, पिता है, तो पिता का जो बहन होगा दोस्तों, यानी पिता का क्या बोल रहा है कि बहन, तो यहाँ पर कर लिए दोस्तों, पिता का क्या है दोस्तों, बहन है, तो पिता का जो बहन, कह रहा है कि बहन की बेटियाँ, तो बहन की क्या है दोस्तों, बेटी है, यानी बेटियाँ, तो बहन की जो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटियाँ हैं, तो बताइए कि लीला का कौन लगेगा, तो देखिए आपका पिता जो हुआ, पिता का जो बहन होगा दोस्तों, आप बहन का जो बेटी होगा तो कौन लगेगा दोस्तों, फुफेरी बहन लगेगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, फुफेरी यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस आपको तरीका समझना है कि लीला ने अपने दोस्त से यहाँ पर कह रहा कि परिचय कराया अपने पिता की एकमात्र बहन, तो पिता की एकमात्र बहन की बेटियों के रूप में कराया, तो लीला का ही कौन लगेगा दोस्तों, फुफेरी बहन लगेगा। अगला प्रश्न की दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो एक बार अपने से ट्राई कीजिए क्या आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ से अगर आधा भाग हम लोगों का इस तरीके से कर दिया जाए, तो देखिए सब में प्लस प्लस है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एक गोला हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गोला हो जाएगा, और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 4 में गोला गोला था, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से देखा जाए दोस्तों कि एक हम लोग इसमें क्या कर देंगे, लकीर इधर से लगा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक लकीर आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो देखा जाए यानी कौन सा ऑप्शन में इस तरीके से दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए, तो कैसे करेंगे। देखिए ना वहाँ कह रहा है कि डिजाइन को पूरा करना है, यानी प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करना है, तो कौन सा रख देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जैसे ही रख देंगे तो पूरा बन जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जैसे दिया गया दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों सबसे शॉर्ट सबसे सरल क्या करेंगे और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखा जाए दोस्तों कि उसने क्या किया, ये देखिए 9 जो जैसे लिखा है तो उसने क्या किया दोस्तों, 3 का स्क्वायर कर दिया है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, उसने स्क्वायर करके लिखा है। उसी प्रकार से 16 जैसे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या किया, उसने 4 का क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर करके लिख दिया है।
उसी प्रकार से 25 जो देख रहे हैं दोस्तों, यानी कि उसने क्या कर दिया है, 5 का स्क्वायर करके लिखा है। उसी प्रकार से देखिए जो 36 लिखा है दोस्तों, 6 का स्क्वायर करके लिखा है, यानी एक क्रम से स्क्वायर दिया दोस्तों। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हो जाएगा, अगर इसमें देखा जाए कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, उसी प्रकार से जो 49 है 6 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आगे देखिए इस सीरीज जो जाएगा दोस्तों, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यानी इस जगह पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 64 लिखा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि 7 का संबंध जिस प्रकार से 350 लिखा है, तो उसी प्रकार से 8 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा होगा। तो जरूर एक बार ट्राई कर लीजिए, क्या पता आपसे बन जाए, हो सकता है आपसे नहीं बन पाए, तो वो आपको सीखना होगा कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि 7 का संबंध उसने क्या लिखा है कि 300 क्या लिखा है दोस्तों, 50 लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दिया है और यहाँ पर 8 लिखा और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल उसने क्या किया था, ये जो 7 देख रहे हैं दोस्तों, 7 का क्या कर दिया है, क्यूब कर दिया, तो 7 का क्यूब और प्लस क्या कर देना है दोस्तों, 7 कर देना है। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, यहाँ पर लिख भी दिए और 7 जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। तो देखिए वही 350 उसने लिखा है कि नहीं लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर 8 का करना है दोस्तों, तो 8 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस क्या कर देना है, 8 कर देना है। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, यानी यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512 और प्लस यहाँ पर कर देना 8 कर देना, तो जैसे ही आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 520 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा था वहाँ पर 520 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन करा कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें, विषम का मतलब होता है कि 4 में से 3 समान है, 1 अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे, देखिए इसमें कितने रेखा का, इसमें क्या हुआ है दोस्तों, यानी रेखा का प्रयोग किया है, यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि रेखा का क्या क्या है दोस्तों, प्रयोग किया है, बेसिक बात बता दिए कि रेखा का प्रयोग किया है, यहाँ बेसिक बात समझ लीजिए दोस्तों, नहीं तो फिर आप कन्फ्यूजन करेंगे कि भी में देखिए 2 रेखा है, टी में भी कितना रेखा है, 1 ऊपर 1 इस तरह, उसी प्रकार से एल में 2 रेखा, लेकिन एस में इस प्रकार से कोई रेखा नहीं है, एक अलग टाइप में डिजाइन दिया, इसीलिए डी वाला आकृति होगा। डी वाला को ऑप्शन नंबर किस में रखा है दोस्तों, तो बी में रख दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, यानी इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा, आकृति डी सही हुआ और डी ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार देख रहे हैं अभी अलग अलग सेट में ये प्रश्न रिपीट कर चुका है, इस तरीके के अलग अलग डाटा दे दिया है और कहता है कि रिपीट करेगा, तो कह रहा है निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर कह रहा है कि 2008 के कैलेंडर के समान होगा। तो ट्रिक एकदम सबसे शॉर्ट बता देते हैं, अगर कभी भी लीप वर्ष रहेगा, हमेशा आप याद रखिएगा दोस्तों कि लीप वर्ष जैसे ही दिखेगा तो उसमें आपको करना क्या है, आँख कान मुन के उस पर क्या कर देना है दोस्तों, आपको क्या करना है कि जैसे ही दिखेगा लीप वर्ष तो उसमें क्या करना, 28 जोड़ देना है, क्या करना है दोस्तों, 28 जोड़ देना है, यहां पर यही याद रखिएगा कि 28 जोड़ देना है, बस जैसे ही देखिए 2008 है हम लोगों के सामने, तो 2008 में क्या करेंगे, 28 जोड़ देंगे। ये देखिए तो यहां पर लिख लिए दोस्तों 2008 जैसे हुआ, प्लस क्या कर दीजिए, 28 कर दीजिए, तो जैसे ही जोड़िएगा तो देखिए 8 इधर हो जाएगा दोस्तों, 16 करी 6 हासिल रहा है, 1, 2 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, इधर 2 और 0 हो जाएगा, यानी 2036 के समान होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बस तरीका यही याद रखना है कि अगर लीप वर्ष रहा तो उसमें क्या करना है, 28 जोड़ देना है,
बस यही ट्रिक है कि लीप वर्ष है तो 28 जोड़ देंगे, बस आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। अगर लीप वर्ष नहीं रहेगा तो फिर कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी वीडियो बहुत सारा पार्ट, अभी मेरा ये 356 चल रहा है, तो 355 तक जाके देख लीजिए। हर पार्ट में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि हर एक पार्ट में दोस्तों अलग अलग चैप्टर से और अलग अलग टाइप से क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगला प्रश्न कि दोस्तों हम लोगों के सामने नवा नंबर क्वेश्चन दिया करा कि भारत है, यूरोप है, एशिया है और जर्मनी है, तो इसका वेन डायग्राम बनाना यानी वेन आरेख बनाना दोस्तों कि कैसे बनेगा भारत, यूरोप, एशिया और जर्मनी। अब देखिए यहाँ पर होगा तो होगा कैसे इस प्रश्न का आंसर, ये देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का भारत जो है, यहाँ पर लिख लेते हैं कि भारत कौन सा महाद्वीप में आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा भारत जो आएगा तो हम लोगों का किस में आ जाएगा दोस्तों, एशिया में आ जाएगा। तो इस जगह पर लिख लीजिए भारत किस में आएगा दोस्तों, एशिया में आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें ले जाके इस तरीके से कर देंगे। उसी प्रकार से जर्मनी जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कर लीजिए कि जर्मनी हम लोगों का कौन सा महाद्वीप में है दोस्तों, तो जर्मनी याद रखिएगा यूरोप में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यूरोप हो जाएगा। इस प्रकार से कर लीजिएगा और इसको इस तरीके से, यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए, उसने क्या किया है कि भारत किस में आएगा तो हम लोगों का एशिया महाद्वीप में आएगा, जर्मनी किस में आएगा तो यूरोप में आएगा। देखिए हम लोगों का जर्मनी देश है, भारत देश है, लेकिन यहाँ पर एशिया क्या है दोस्तों, महादेश हो जाएगा या महाद्वीप बोल सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों का यूरोप क्या हो जाएगा दोस्तों, महादेश या महाद्वीप। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कथन और निष्कर्ष से करा कि सभी मैट जो है कोयर है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों सभी मैट, तो इस प्रकार से लिखा है कि सभी मैट, तो यहाँ पर कर लिए कि सभी मैट क्या हो जाएगा दोस्तों, कोयर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर लिए कि सभी मैट क्या हो गया, कोयर हो गया। फिर कह रहा है कि सभी कोयर जूट है, तो यहाँ पर कर लिए दोस्तों सभी कोयर क्या है, हम लोगों के सामने जूट है, तो इस प्रकार से बना लिए। अब देखिए इसी में निष्कर्ष दिया है, कह रहा है कि सभी जूट कोयर है। अब निष्कर्ष में हम लोग गौर करेंगे, सभी जूट कोयर है, क्या सबटो जूट कोयर के अंदर में गया है क्या, नहीं गया है, तो ये बात गलत हो जाएगा। देखिए ना कह रहा है सभी जूट कोयर है, क्या सबटो जूट वाला जो डायग्राम वो कोयर के अंदर में गया है क्या, नहीं गया है सर, तो ये बात तो गलत हो जाएगा। कह रहा है सभी सभी मैट जूट है, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों सभी मैट जो है, जितना भी मैट है दोस्तों, ये देखिए सभी मैट जो है वही कह रहा है सभी मैट जूट है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, जितना भी हम लोगों का मैट है दोस्तों वो जूट के अंदर में है, तो वही कह रहा है कि सभी मैट, ये देखिए सभी मैट जो है यानी सभी मैट जो है दोस्तों हम लोगों का जूट के अंदर में, ये बात सही हो जाएगा। यानी दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए ना पहला सभी जूट, क्या सबटो ये जो जूट देख रहे हैं दोस्तों, क्या वो कोयर के अंदर में गया है क्या, नहीं गया सर, तो फिर आप तो इसको गलत ही करेंगे। कह रहा सभी माइट जो है, कह रहा जूट है, हाँ तो बिल्कुल सभी माइट जो है वो जूट के अंदर में है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उपरोक्त अनुक्रम में दाई ओर से 15वां, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि दाई ओर से 15वां, तो देखिए दायां किधर होता है दोस्तों, हमेशा आप याद रखिएगा कि दायां ई साइड में लेना है और बायां क्या लेना है दोस्तों, ई साइड में लेना है, दायां और बायां हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। तो कह रहा है कि दाई ओर से 15वां, तो ले लेते हैं, ये देखिए दाई ओर से 15वां, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, हाँ तो 15 पे कौन है दोस्तों, क्यू है, हम लोगों का यहाँ पर आ चुका है कि 15 पे कौन है दोस्तों, हम लोगों का क्यू है, यहाँ पर जो डार्क कर दिए क्यू है 15 पे, तो कह रहा है कि के दाई ओर 5वां, तो अब इसके दाई ओर 5वां कौन है, तो क्यू के दाई ओर देखिए 5वां कौन आ रहा है, एक दो तीन चार पाँच, यानी जी हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए
इस तरीके के प्रश्न आए तो रट के याद कर लेंगे, नहीं, आपको हमेशा बताएं कि दाया और बाया को याद रखिए कि दाया कौन साइड होता है और बाया, ये पैटर्न फिक्स है कि दाया हमेशा आपको इधर ही लेना है और बाया हमेशा, ऐसा नहीं कि अलग क्वेश्चन में दाया इस साइड ले लेंगे बाया उस साइड में गलती हो जाएगा, दाया हमेशा फिक्स है कि इधर ही लेना है और बाया इधर लेना। देखिए ना, कह रहा है दाई ओर से पंद्रहवा, तो पंद्रहवा पे क्यों है कि दाई ओर पांचवा, तो दाई ओर पांचवा कौन हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, किसी कूट भाषा में कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है दोस्तों, एल है, उसके बाद आई है, जैसे जैसे दिया है दोस्तों उसको नोट कर लीजिए कि एल आई, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने क्यू यू, उसके बाद लिखा आई और डी, यानी लिक्विड लिखा है, उसके बाद इसका कोड क्या दिया है दोस्तों, ये देखिए इसका, यानी कि यहाँ पर लिखा है कि पी लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने एम लिखा है, फिर यू लिखा है, यहाँ पर कर लिए दोस्तों यू लिखा है, उसके बाद वाई लिखा है, उसके बाद एम लिखा है, और क्या लिखा है दोस्तों, एच लिखा है। उसी प्रकार से स्पेस का पूछा जा रहा है कि एस पी ए, उसके बाद सी और ई, इसका निकालना है, आपको घबराना नहीं दोस्तों, उसने क्या किया और कैसे किया है, देखिए कि L से यदि P पे जाएंगे, I से M पे जाएंगे, Q से, इस पर देखिए कुछ ना कुछ लेटर उसने क्या कर दिया दोस्तों, या तो वृद्धि किया है या तो कमी किया है, ये बात आपको सोचना होगा कि A B C D में आपको सोचना है दोस्तों कि उसने क्या किया है और कैसे किया है। कि L से P पे जाएंगे तो यहाँ पर चार लेटर, हमको तो पता चल चुका है कि उसने सब में क्या कर दिया दोस्तों, प्लस चार लेटर कर दिया, एकदम छोटा छोटा लिखना होगा ताकि आपको दिख जाए और हमें भी दिख जाए और सभी को दिख जाए। तो यहाँ पर प्लस चार, सब में आपको करना क्या है, प्लस चार, इसमें भी प्लस चार, इसमें भी प्लस चार, इसमें भी प्लस चार, तो जैसे ही एस में आप चार लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, तो एस के बाद हो जाएगा टी और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों डब्लू हो जाएगा, पी में जैसे ही जोड़ेंगे तो टी हो जाएगा, ए में जैसे ही जोड़ेंगे ई हो जाएगा, सी में जैसे ही चार लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा, इसी प्रकार से सी में जैसे ही, तो यहाँ पर जी हो जाएगा, ई में जैसे ही चार लेटर जोड़ेंगे आई हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है दोस्तों, डब्ल्यू टी ई जी आई, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पी का अर्थ गुना है दोस्तों, यानी जहाँ कहीं पी दिखेगा तो उस जगह पर आपको क्या लेना है दोस्तों, गुना ले लेना है, आपको घबराना नहीं दोस्तों, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप चल दीजिए, यानी पी के जगह हमको क्या लेना है, गुना ले लेना है, ए के जगह प्लस लेना है, यानी ए जहाँ दिखेगा वहाँ पर प्लस ले लेना है, उसके बाद W का अर्थ बोल रहा है दोस्तों भाग है, जहाँ कहीं W दिखेगा भाग ले लेना है, और Y का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, माइनस लिखा है तो Y की जगह माइनस ले लें, बस अब इसी को सॉल्व कर देना है दोस्तों, बस आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए हम कर देते हैं, भले ही बड़ा इक्वेशन दिख रहा होगा लेकिन घबराना नहीं है, ये देखिए क्योंकि अभी जो इसी तरीके का पैटर्न फॉलो किया है, तो 13 है उसके बाद P, तो P के जगह हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों, गुना लेने के लिए, गुना ले लिए, उसके बाद यहाँ पर तीन हो जाएगा, उसके बाद A, तो A के जगह है दोस्तों प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 11, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है Y, तो Y के जगह हो जाएगा माइनस और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 26, उसके बाद लिखा है P, तो P के जगह हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का गुना और यहाँ पर हो जाएगा 6, उसके बाद लिखा है W, तो W के जगह हो जाएगा दोस्तों भाग हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा, देख रहे हैं कितना बड़ा दे दिया है, W के जगह 13, उसके बाद A, तो A के जगह है दोस्तों प्लस, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 19, बस यही क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिए, बस बोर्डमास का रूल लगा दीजिए दोस्तों, सबसे पहले काम होता है भाग का, यहाँ पर ही देखिए 13 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 39 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस हो जाएगा, इधर 11 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से 26 और गुना हो जाएगा 6 और ये भागा में क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा, इस जगह पर 13 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा, बस देखते चलिए दोस्तों कि कैसे कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कट जाएगा दोस्तों 13 दुना क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 26 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 39 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 11
और इधर हो जाएगा दोस्तों माइनस 6 दुना 12 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल चुका है। देख तो यहाँ पर जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों, यानी 19 और 11 जैसे ही जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 और इधर जोड़ेंगे दोस्तों यानी 60, हाँ तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों यानी कि 69 हो जाएगा। 69 में जैसे ही 12 घटा दीजिएगा दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा दोस्तों 5, यानी कि इस देखिए कहीं तो गलती कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का कहीं गलती तो नहीं हुआ है। तो जोड़ लीजिए कि 12 इसमें घटा देना है तो 9, अच्छा अच्छा हाँ यहाँ पर गलती कर दिए हैं आप, गलती किए हैं सर कि 9 में 2 जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, वही तो हम भी सोच रहे हैं कि 6 में 1 5 यानी 57 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एकदम बारीकी से समझा दिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन करा कि पार्वती दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चल करा कि हम लोगों का पार्वती जो है दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही थी, तो ठीक है थी है वह ठीक 90 डिग्री हम लोगों का क्या करा दोस्तों दाई ओर मुड़ी और उसके करा कि उसने चलना जारी रखा तो वह अब किस दिशा की ओर चल रहा है यानी चल रही थी। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा, कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों कि इस तरीके से आपको पूर्व इस साइड में लिख लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है दोस्तों पश्चिम होता है और जस्ट ऊपर में क्या होता है दोस्तों उत्तर होता है और जस्ट नीचे क्या होता है दोस्तों दक्षिण होता है। बस इतना बात आप याद कर लीजिए आपका प्रश्न हो जाएगा। इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, तो कह रहा है कि पार्वती यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से डायरेक्शन आपको बनाना होगा, यहाँ पर एक चलना होगा और यहाँ से इस तरीके से अब आपका क्या हो जाएगा प्रश्न सॉल्व करने के लिए रेडी हो गया है। यानी कि कह रहा है कि पार्वती जो है दक्षिण पूर्व दिशा, तो दक्षिण पूर्व कहाँ है दोस्तों, ये वाला हम लोगों का दक्षिण पूर्व है यानी ये जो लाइन देख रहे हैं दोस्तों दक्षिण पूर्व है, तो यहाँ पर है, वहाँ कह रहा है कि हम लोगों का दाई ओर मुड़ी, तो 90 डिग्री क्या कर रहा है दोस्तों कि दाई ओर मुड़ा, तो बताइए अगर वो इधर इधर है तो उसका बताइए कि दायां हाथ किधर होगा, यानी इधर जा रहा है दोस्तों तो दाई ओर किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर अगर चल रहा है तो दायां इस साइड हो जाएगा दोस्तों, यानी 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगी, इस जगह पर आ जाएगी, तो 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि उसने चलना जारी रखा तो वह अब किस दिशा में जा रहा था, ये वाला दिशा कौन सा दिशा हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम। देख रहे हैं किस तरीके से डराने का प्रयास किया है, लेकिन डरेंगे नहीं, साफ साफ बोला है दोस्तों कि पार्वती जो है हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों कि पार्वती जो है दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहे थे और ठीक वह 90 डिग्री दाई ओर मुड़े और चलना जारी रखा, फिर वह कह रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रही है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। देखिए दाई ओर यानी कि आप इधर चल रहे हैं तो दायां इस साइड हो जाएगा और वही 90 डिग्री चला है। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 15वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नैना जो है माही से पेन मांगती है। ये देखिए कथन और निष्कर्ष दिया है दोस्तों, कह रहा है कि नैना जो है माही से पेन मांगती है और निष्कर्ष दिया है नैना के पास पेन नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, तभी तो आपके पास जो चीज़ यहाँ पर क्लियर है दोस्तों वहाँ कह रहा है कि नैना माही से पेन मांगते हैं, इसका अर्थ नैना के पास पेन नहीं है तभी तो मांग रही है। उसके बाद कह रहा है नैना कुछ लिखना चाहती थी, ये भी बात सही हो जाएगा दोस्तों कि वहाँ पर कह रहा है कि नैना माही से पेन मांगती है और निष्कर्ष दिया है नैना के पास पेन नहीं है, ये बात सही हो जाएगा। नैना कुछ लिखना चाहती है ये भी बात सही हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर यानी कि हम लोगों का पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने सीटिंग अरेंजमेंट से करा कि 6 सहकर्मी एक वृत्त में बैठे हुए हैं और उनके चेहरे जो है मध्य भाग यानी कि मध्य भाग की ओर है, डायना पुष्कर और करा कि पद्मा के बीच में है, प्रियंका जो है महेश और लक्की के बीच में है, पुष्कर और महेश एक दूसरे के सामने है, तो अब कैसे करेंगे दोस्तों। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा, आप यहाँ पर ऐसे बना लीजिए दोस्तों यानी 6 सहकर्मी है इस तरीके से
और यहाँ पर इधर से इसमें कर दीजिए, बस छः सहकर्मी हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, बन गया। उसी प्रकार से एक डायग्राम यहाँ पर बना लीजिए दोस्तों, इस तरीके से चार हो गया और एक इधर से डाल देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, छः हो जाएगा। अब देखिए जैसे जैसे कहाँ है वैसे वैसे आप चल दीजिए इसमें। यहाँ पर बोला है दोस्तों कि पुष्कर और महेश एक दूसरे के सामने, यही वजह से दो डायग्राम लेकर चलना होगा कि पुष्कर और महेश। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि पुष्कर को जो है इस डायग्राम में जो है हम लोग यहाँ पर महेश ले लेते हैं, इस जगह पर क्या ले लेते हैं दोस्तों, एक डायग्राम में यहाँ पर महेश ले लिए तो इसके जस्ट यहाँ पर क्या ले लेंगे दोस्तों, पुष्कर ले लेंगे। इस प्रकार से क्या ले लेंगे दोस्तों, पुष्कर ले लेंगे। यहाँ पर क्या ले लिए दोस्तों, पुष्कर ले लिए एक डायग्राम। और दूसरा डायग्राम में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने पुष्कर हो जाएगा, देखते चलिए यहाँ पर पुष्कर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, महेश हो जाएगा। देखिए एग्जाम में जो है दो तीन क्वेश्चन इस तरीके से देता है, तो भले हम यहाँ पर एक करा रहे हैं लेकिन एग्जाम में जो प्रीवियस में पूछा गया था तीन क्वेश्चन दिया गया था इससे, तो बस आपको खाली बैठाने आना चाहिए, बैठा लिए तीन चार पाँच छः जितना दे सब आप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों, ये दोनों को बैठा लिए, अब इतने में अब हो जाएगा, कह रहा है कि डायना जो है यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि डायना जो है पुष्कर और हम लोगों का पद्मा के बीच है, तो डायना जो हो जाएगा दोस्तों पुष्कर और हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पद्मा के बीच में हो जाएगा। तो ठीक है, यानी कि डायना जो है पुष्कर और पद्मा, यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, इधर बैठा सकते हैं। देखिए यानी कि डायना जो है दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा है कि डायना जो है पुष्कर और पद्मा, तो ठीक है इस जगह पर ले लीजिए डायना जो है, हाँ डायना यहाँ पर लिख लेते हैं, इस जगह पर कर लेते हैं कि डायना जो है दोस्तों हम लोगों का पुष्कर और क्या हो जाएगा पद्मा, तो यहाँ पर कर लीजिए आप पद्मा के बीच। अगर इधर बैठाएंगे दोस्तों हम लोगों का यानी यहाँ पर बैठाएंगे तो वही कह रहा है कि डायना जो है पुष्कर और पद्मा के बीच में है, तो यहाँ पर बैठा लीजिए दोस्तों, यानी डायना जो है तो इस जगह पर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कर लीजिए डायना जो है पुष्कर, इस जगह पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, पुष्कर कर लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा हम लोगों, अच्छा डायना जो है पुष्कर, यानी डायना जो है दोस्तों पुष्कर और पद्मा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, पद्मा के बीच में हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लिए, अब देखिए यहाँ पर तो बैठा लिया, अब और देखिए कैसे कैसे चलते जा रहे हैं, यहाँ तक हो गया। फिर आगे कह रहा है दोस्तों हम लोगों का प्रियंका जो है महेश और लक्की के बीच में, यानी प्रियंका जो है दोस्तों, तो प्रियंका जो है महेश और लक्की के बीच में है, तो ठीक है यानी प्रियंका, तो इस जगह पर प्रियंका कर लेंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर प्रियंका हो जाएगा, तो लिख लीजिए यानी यहाँ पर हो जाएगा सर हम लोगों का प्रियंका हो जाएगा। कह रहा है कि प्रियंका जो है महेश और लक्की के बीच में है, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, लक्की के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों प्रियंका जो है तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रियंका हो जाएगा, यानी प्रियंका जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, महेश, प्रियंका जो है महेश और लक्की के बीच में है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का लक्की हो जाएगा, तो हो गया। तो कह रहा है कि महेश के पड़ोसी कौन है, तो देखिए दोस्तों महेश का अगर यहाँ पर देखा जाए तो प्रियंका और पद्मा हो जाएगा, तो महेश का पड़ोसी कौन हो जाएगा दोस्तों, तो प्रियंका और पद्मा, दोनों डायग्राम से हम लोगों का आंसर निकाला जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पर कह रहा है कि महेश के पड़ोसी कौन है, तो महेश यहाँ है, तो महेश का पड़ोसी यहाँ पर देखिए पद्मा आ रहा है और इधर क्या आ रहा है दोस्तों, प्रियंका। उसी प्रकार से यहाँ पर भी महेश का पड़ोसी में प्रियंका आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, पद्मा आ रहा है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए दोनों डायग्राम से आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, हम दोनों डायग्राम से आपको बता दिए किस तरीके के प्रश्न आए, तो कैसे कर, एक नहीं तीन तीन क्वेश्चन दिया था जो प्रीवियस में पूछा गया, क्योंकि हमारे पास तो स्क्रीन यहाँ पर छोटा है ना, इसीलिए हम एक ही क्वेश्चन दिखाए, लेकिन जो मेन था वो तो दिखा ही दिए कि मेन बैठाना है, बैठा लिए तीन दे चार दे पाँच दे जितना दे सब आप कर लेंगे। ओके दोस्तों थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अगर चैनल पे पहली बार है दोस्तों सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।